नंबर वन, दी कपबोर्ड नाइटमेयर। इस क्लिप को जापान में रहने वाले एक आदमी ने रिकॉर्ड किया था अपने घर पर, जब वो अपने घर पर ही एक छोटा सा घोस्ट हंटिंग एंड पैरानॉर्मल सेशन कर रहे थे। एंड वो चीज़ करते करते वो देखते हैं कि उनके कबोर्ड में से कुछ नॉइजेज आ रही थी एंड उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई है। लेकिन क्या था उनके कबोर्ड में, आप देख कर काफ़ी हैरान हो जाओगे। एक ब्लड से कवर्ड चेहरा अचानक नज़र आता है उनके कैमरा के अंदर एंड जब वो नज़र आता है उसी दौरान वो गायब भी हो जाता है, मानो जैसे वो कभी वहाँ पर था ही नहीं। एंड उस चीज़ को, उस चेहरे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गए थे। तो क्या वो चेहरा किसी ईविल स्पिरिट का था, जैसा कि लोग क्लेम कर रहे थे इस वीडियो को देखने के बाद? आपकी इस बारे में क्या राय है? नंबर टू, नाइट टू रिमेंबर। इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के एक चैनल पर शेयर किया गया था, जब दो दोस्त आपस में मिलकर एक ऐसी हॉन्टेड एंड अबेंडेंट बिल्डिंग में गए हुए थे रात के समय में, जहां पर एक सिंगल मदर रहा करती थी और हाल ही में उनकी डेथ हो गई थी किसी ऑर्गन फेलियर के कारण। और इसी वजह से जब वो दोनों दोस्त उस डेड मदर की उस बिल्डिंग में जब चले गए थे, तो सच में किसी को तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। Never heard that before. What was that? Hey, Dale. Something's up there. Is that that bird? That sounded like a scrape. Can the bird do that? I don't think a bird can make a scraping sound. Unless it hit something and it slid. I don't know. It was claimed that you danced with the devil. Is that true? I know for sure that wasn't the bird, Dale. Hello? I mean, this place is really old, but damn, that was... You don't think something could be falling from the roof, do you? I don't think so, I mean, dude. That doesn't sound like something dropping, to be honest. I was like... Is that the bird's right there. I ain't running if anything happens to there, I know. Oh, my God! Oh! I can't live like that, man. Hey. Dale, come on. It sounded like it was from over here. It's the cradle. What? The cradle's flipped. It's flipped over? The cradle's flipped over. I don't think that it could just fall over like that, Dale. Look in the other rooms. What was that? Are you serious, man? Yeah. Isn't that cradle f***ing huge? Like, look at it, though. What the hell is that supposed to be? Why does it have feathers all over it? Are those... Is that sage? That ain't sage, is it? I don't know what that is. All the way back home. Oh, wait, what?
closing. Oh my god. Oh my god! Go, Dale, go! Go, 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 go! Come on, dude, come on! There's Jeff. That was a person, Dale. I don't know, I didn't see anyone, but I swear to David, dude, man. अचानक इस टीम को डिफरेंट थंपिंग साउंड्स, लाउड बैंग साउंड्स एंड अंत में एक ऐसी स्केरी साउंड भी आती है जिसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गुस्से से और तेज़ी से इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया है। एंड ये बात सोचने में ही इतनी ज़्यादा डरावनी लगती है। तो जब ये दोनों दोस्त खुद लाइव ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके आए थे तो ज़रूर काफ़ी रात अच्छे से नहीं सो पाए होंगे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, होटल ऑफ ईविल स्पिरिट्स। इस वीडियो को एक नाइट होटल सिक्योरिटी वर्कर ने शूट किया था अपने लोकल एरियाज़ के एक ऐसे होटल में जो हाल ही में ही बना है। एंड यहाँ पर ये काम करते करते उन्हें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ था और अपने खुद के स्टार्टिंग के डेज़ में ही वर्क नाइट के दौरान इनको एक रात ऐसी पैरानॉर्मल एंड स्केरी एक्टिविटीज़ देखने को मिल गई थी जो सच में किसी नाइटमेयर से कम बिल्कुल नहीं थी। There is absolutely no one on this floor, but I've been hearing something. I don't know. I'm trying to see if y'all can hear it. I don't quite hear anything yet. It's not quite what I heard before. There's not anyone up here. The owner, like I said, he's not even renting this room. Oh, hell no. Okay, so I'm still same day. Well, next night, but I don't remember where. I don't see anything. This is my job. See, rooms aren't even ready yet. You know, I don't like this job that much anyway. Yeah, we're not dealing with any of that. He can fire me, I don't care. Not going to do this today. पहले कुछ देर में इन्हें ब्रीज, नॉकिंग, सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ें एंड और भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है। लेकिन उसी रात इन पैरानॉर्मल चीज़ों के होने की कुछ और घंटों बाद वापस इस व्यक्ति को उस होटल में से डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाउड भी थी। एंड एग्जैक्टली क्या आया था इनके कैमरा में देखिए एक बार। Okay, so I was hearing something. I was sitting behind the desk. No, do we have no one here on the second floor? Or even the third, because it's still closed? Okay. Yeah, I think I'm just gonna stay down. Yeah, I'm good. Okay, so I'm sitting here behind the desk and it's been quiet up till now, but I just heard something. So of course, since I'm responsible here for tonight, I have to go and figure out what exactly it was. I just literally heard something, like, and I immediately turned on the hell? Okay, so that wasn't there before, but okay. Oh my. Okay. Let's not. You know what? You can have the place. इस बार तो इनके ऊपर कोई ईंटे गिराने की भी कोशिश करता है एंड और भी अननोन ब्रीजेस भी ये फिर से फील करते हैं। कहते हैं कि इस होटल को बनाते वक्त कुछ वर्कर्स की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई थी एंड उनकी ईविल स्पिरिट्स आज भी इधर भटक रही हैं एंड इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अकर कर रही हैं। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है
जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, बिल्डिंग ऑफ ट्रू नेचर। इस क्लिप को शूट किया था एक अरेबिक होस्ट हंटर ने, जो एक ऐसी सुनसान बिल्डिंग में एक्सप्लोरेशन करने गए हुए थे जो काफ़ी सालों से हॉन्टेड मानी जाती हुई आ रही है। एंड इस बिल्डिंग को बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं वर्कर्स के साथ, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का काम टेम्पररी रोका जा चुका है। और इस अर्बन एक्सप्लोरर की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि इस बिल्डिंग से वहाँ के लोग इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं। يا رب انت الحامي احميه لسه ما بلشنا مغامرة بسم الله الرحمن الرحيم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاير اتلمس بشكل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شو اللي بصير قاعد هون वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कुछ लाइट बैंग साउंड्स आती हैं एंड देन वाटर टैंक में कुछ ऐसी हलचल दिखाई देती है मानो जैसे कोई उस छोटी सी जगह से निकलने का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी उस बिल्डिंग में, आपको क्या लगता है? नंबर 6, हाउस ऑफ हॉरर। इस वीडियो को एक टिकटॉक यूज़र ने शेयर किया था जिनके घर में काफ़ी दिनों से ईरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जा रही थी एंड वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खैर पास्ट में हो रही ज़्यादा चीज़ों को तो वो कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सडन होती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा जरूर उनके कैमरा ने कैप्चर कर लिया था। अचानक इनके सामने मौजूद दरवाजे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के सार दिखने लगते हैं एंड इवेंचुअली वो खुद से ही बंद भी हो गया था। तो क्या इस टिकटॉकर के घर में सच में किसी ईविल स्पिरिट का साया मंडरा रहा हो सकता है? अपने विचार भी जरूर प्रकट कीजिएगा। नंबर 7, द स्केरिएस्ट एक्सप्लोरेशन। इस वीडियो को कासा डोरेस द सोम्ब्रेस की टीम ने शूट किया था, जो इस बार एक हॉन्टेड लेक साइड जगह को विजिट करने गए हुए थे। और ज़्यादा बिना कुछ बताए आप इनकी वीडियो देखिए एंड देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि इन्होंने उस रात कैप्चर क्या किया था। Mario, você? Vai, mano. Oi, levanta, mano. Tamo indo. दो स्केरी लेडीज़ एक जगह पर
और एक ही साथ दिखाई देती है जो काफ़ी क्रीपीली बिहेव कर रही थी। एंड इतनी रात में ऐसी जगह पर क्या कर रही थी वो दोनों किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों अननोन्स उस जगह किसी ब्लैक मैजिक वाले काम से रिलेटेड चीज़ को करने आई थी एंड परफॉर्म करने आई थी। लेकिन आपके क्या सच ओपिनियंस हैं इस वीडियो को लेकर हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी हॉरर डोज को अगर आप और भी ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी स्केरी हॉन्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, और अपना और प्यार दिखाने के लिए वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर छोड़ना। चलिए मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक और नए और ट्रूली हॉन्टेड सफर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।